अस्सलामुअलैकुम हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। सो गाइस, जो है मुझे सुमैया खान ने आज ही बोला कि प्योर रेड सैंड वाइट रेड सैंड जो है ना, उसकी मैंने आज वीडियो अपलोड की थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसका ट्यूटोरियल शेयर कर दे। सो मैंने सोचा कि हाँ, मैंने इसका कभी ट्यूटोरियल नहीं शेयर किया। सो मैंने अब डिसाइड किया कि मैं इसका ट्यूटोरियल जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, ये ऊपर जो इसके ऊपर गिरा है ना, मैं अभी इसका ना शेप्स बनाने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि ना साथ ही मैंने इसका ट्यूटोरियल भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने ना इसके ऊपर अभी जो है ना वो सीमेंट ऐड किया, हालांकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीमेंट मैंने इसलिए ऐड किया ताकि इसकी लेयर्स जो है और ज़्यादा अच्छी बन सके, थिक बन सके वाटर क्रम्बलिंग। ठीक है, तो सो वाटर क्रम्बलिंग जो है ना सबको ही बहुत ज़्यादा, वाटर क्रम्बलिंग को जो है ना सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा कि अभी जो है ना मैं आपके साथ जो है ना इसका ट्यूटोरियल शेयर कर दूँ। ये है प्योर रेड सैंड। ठीक है, मुझे सुमैया खान ने बोला था कि प्योर रेड सैंड का ट्यूटोरियल दे दें, तो सुमैया खान थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार करती हैं, ट्यूटोरियल मांगती हैं, हालांकि सभी ऐसे हमारे आर्टिस्ट हैं वो इतना अच्छा वर्क करती हैं, वो इतने अच्छे ट्यूटोरियल शेयर करती हैं, बट आप मुझे कहती हैं इट्स मीन्स अ लॉट एंड इट्स माय प्लेजर कि आप मुझे कहती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इस शॉर्ट को ज़रा इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि दोपहर का टाइम है, सॉरी दोपहर का नहीं है, बल्कि असर का टाइम होने वाला है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने इसमें सीमेंट ऐड किया है, सीमेंट बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया, तकरीबन मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने इसमें सीमेंट कितना ऐड किया है। सीमेंट ऐड करने का मकसद ये था कि इसमें लेयर्स जो है ना वो अच्छी बन सकें, क्योंकि सीमेंट जो है जब री यूज़ होता है ना तो उसमें लेयर्स जो है वो अच्छी बनती हैं मेरे मुताबिक। ठीक है, ये देखिए मैंने सीमेंट आपके सामने ऐड किया, ये जो छोटा बाउल था ना तकरीबन हाफ था, तो मैंने ये ऐड किया। ठीक है, और इसको मैंने मिक्स कर लेना है। ये देखिए मैंने शॉर्ट सा एक जो है ट्यूटोरियल जो है वो फटाफट से शेयर कर दूँ, काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स मैंने शेयर किए हैं, लाइट गई है हमारी, कोई गल नहीं, अचानक से लाइट चली गई है, बट इट्स ओके, आपको नज़र तो आ रहा है ना। मैं उसकी जो है ना लाइट फ्लैश लाइट ऑन कर देती हूँ, इसकी फ्लैश लाइट ऑन कर दी है इसकी, अब जो है ना आपके सामने मैं इसका टेक्सचर बनाती हूँ। ठीक है, सो नाउ सी, ये है वाइट स्टोन क्रश, जीरो वाइट स्टोन क्रश, लाइक पाउडर की तरह ही होता है, ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, बल्कि थोड़ा सा ही ऐड किया है, बाकी मैं जो है ना इसको फिलिंग करूँगी। सो नाउ अभी इसको मैंने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद मैंने ट्राई किया कि शेप बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है, जब आपकी शेप बनना स्टार्ट हो जाए इट्स मीन कि आपके टेक्सचर में पानी ठीक है। मैंने इसमें पानी इतना कम ऐड किया है क्योंकि सीमेंट इसमें ऐड किया है और वैसे भी ये टेक्सचर थोड़ा सा क्रिस्पी पहले ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फिर वो हार्ड ना हो जाए, फिर मज़ा नहीं आता उसकी जो है ना क्रम्बलिंग करने का, तो इतना को हो कि आपके हाथ में ऐसे आयरन ऐसे क्रम्बल हो जाए। ठीक है, शेप रखी इसमें। ठीक है, और इसको चले, अब इसको हम जो है ना फ्लोर पे निकाल देते हैं। ठीक है, फ्लोर पे निकालने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ईंट इसलिए इसके दरमियान में रखा है ताकि जो है ना शेप्स जो है ना आपस में मिक्स ना हो, क्योंकि शेप्स जो है ना वो बड़ी जल्दी मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, एक शेप निकल आई है, अब मैं बाकी भी शेप्स निकालती हूँ, निकाल कर फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ओके, सी आई हैव डन माई वर्क एंड ऑल शेप्स आर परफेक्टली डन। जी, मेरी सारी शेप्स जो हैं वो अच्छी जो है ना वो बन चुकी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इनकी जो है ना शेप्स बहुत प्यारी बनी है। सो अब मैंने एक चीज़ और करनी है जो आपके सामने करती हूँ, इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करते हैं, इसको थोड़ा सा ना दुल्हन बनाते हैं, ऐसे चलते हैं। तो इसमें जो है ना मैं वाइट स्टोन क्रश ऐड करूँगी, मैंने कहा था कि मैं वाइट स्टोन क्रश जो है ना वो इस पर ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने वाइट कॉन्क्रीट ऐड कर दिया है, ये स्टोन क्रश जो होता है। ठीक है, ये वाला जरा वेस्ट, इसको उठा के तो दोबारा उसमें डाल देंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, और अगला जो ट्यूटोरियल है वो है प्योर मड का, डिटेल में प्योर मड का ट्यूटोरियल दूंगी। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं करते आप? आप वॉच करते हो, सब्सक्राइब भी करें और अपना बहुत सारा प्यार दें और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। ठीक है, तो मिलते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, फी मानिला, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।